जय माता दी। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एसवाई भक्ति अड्डा में। दोस्तों रोजाना की तरह आज हम आपको एक ऐसा टोटका बताएंगे जो आपके जीवन में चार चांद लगा देगा और धन की होगी भयंकर वर्षा, पूरे साल भर बरसेगी माँ लक्ष्मी। कौन सा है वह टोटका, इसे जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हमें जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बात करते हैं कौन सा है वह टोटका जिसे करने से जीवन में धन की कोई कमी नहीं होती है, रोग बाधाएं भी दूर होती हैं और जो भी इच्छा है शीघ्र ही पूर्ण होती है भगवान की कृपा से, माँ महालक्ष्मी की कृपा से। कौन सा है वह टोटका, यह वेद पुराणों से आपके लिए हमने ढूंढा है। हमारे गुरुजी ने बताया है कि यह टोटका करने मात्र से होती है सभी मनोकामनाएं पूर्ण। इसी टोटका को करने से रावण की लंका सोने की हो गई थी। रावण ने इसी टोटके को किया था जिसके कारण वह बहुत सारा धन पाट गया था और उसकी लंका बन गई थी अचानक से सोने की। अचानक से रातों रात आपका घर भी बन जाएगा सोने का। वही आपको हम बताते हैं टोटका के बारे में जो रावण ने किया था जिसे करके उसको लाभ हुआ। आप लोग खुद जानते हैं रावण की लंका सोने की थी, रावण सोने की लंका का राजा था। तो दोस्तों आपको जहाँ कहीं भी यह फूल दिखे तोड़ लेना है। यह बबूल के पेड़ के फूल हैं, यह पीले पीले कलर के होते हैं और छोटे छोटे होते हैं। यह बबूल के पेड़ में खिलते हैं। आपको जहाँ कहीं भी दिख जाए यह पेड़ के फूल तो तुरंत तोड़ लेना, किसी को नहीं बताना, चुपके से घर ले आना। इसके आपको फूल तोड़ करके और घर पर मंदिर में रख देना है। घर के जहाँ पर माँ महालक्ष्मी की मूर्ति हो वहाँ पर इन फूलों को समर्पित कर देना है, यानी चढ़ा देना है और एक मंत्र बोलना है, ओम ह्रीम क्लीम माँ महालक्ष्मी धन देही देही नमः स्वाहा। इस मंत्र को आपको 108 बार बोलना है। जैसे ही आप इतना करेंगे अचानक से धन वर्षा होगी, सभी रोग बाधाएं दूर होगी, जो भी इच्छाएं हैं शीघ्र ही पूर्ण होगी। इस टोटके को साधारण समझने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। वेद और पुराणों से लिया गया टोटका आप लोगों के लिए हमारे गुरुजी ने बताया है, तो एक बार इस टोटके को जरूर करें। जय माता दी।